गाइस, वेलकम टू छेका। फर्स्टली अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेन आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियोस। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक दारू तथ्य। ऑलराइट, so let's start with review now, and as you all can see today we gonna review Absolut Vodka, और हम इसका जो variant review कर रहे हैं that is citron, so it is a citrus flavor I would say what we gonna review today. So before we start with review let's have a quick look on my collection tag. और कलेक्शन टैग के बारे में मैंने मेरे पुराने काफ़ी वीडियोस में बताया है, मैं ये क्यों रखता हूँ अगेन आई विल रिपीट, कुछ लोगों ने मुझे पूछा था। सो द रीज़न आई कीप कलेक्शन टैग इज यू नो आई हैव माय होम बार एंड ये सारी जो बॉटल्स रहती हैं मैं ट्राई करूँगा कि इन्हें मैं कलेक्शन के तौर पे अपने पास में रखूँ, एंड दैट्स द रीज़न। सो आई नो कि ये बॉटल मैंने कब खरीदी थी और यू नो इस बॉटल के बारे में जो भी हिस्ट्री है वो सारी इस कलेक्शन टैग में होती है। जैसे कि ये मुझे बता रहा है एब्सोल्यूट origin of this vodka is Sweden, bottled in Sweden and purchased in March 2021. तो चलो अब हम बात करते हैं Absolut Vodka के बारे में। इस वोडका की शुरुआत हुई थी in 1879 में, Lars Olsen Smith नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इस वोडका की शुरुआत की थी in Sweden, और you know काफ़ी famous होने लग गया था ये वोडका in market and Stockholm लेकर मार्केट जो था उसकी अपनी एक मोनोपोली चलती थी स्वीडन में उस टाइम पे। बट जो मिस्टर स्मिथ थे उन्होंने इस मोनोपोली को ब्रेक किया विद दिस वोडका, ही स्टार्टेड सेलिंग इस वोडका एट लोअर प्राइस देन द मोनोपोली यू नो मार्केट प्राइस जो उन्होंने रखे हुए थे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वोडकास के, उससे कम प्राइस में उन्होंने ये वोडका बेचना शुरू किया। और उसके साथ साथ में ही यूज टू गिव अ फ्री बोट राइड टू हिज डिस्टिलरी, और वो अपने डिस्टिलरीज को एक्सप्लोर करने देते थे, लोगों को दिखाते थे और फ्री बोट राइड का जो यू नो बेनिफिट है वो भी देते थे। एंड यू नो बाय दैट वे ये वोडका जो है वो काफ़ी फेमस हो गया। एंड ड्यूरिंग द टाइम इन ग्लोबल मार्केट ऑल्सो इन प्रेजेंट डेज एब्सोल्यूट वोडका के बारे में सभी लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस वोडका है, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इस वोडका को। इन प्रेजेंट डेज इस वोडका को ओन करता है पर्नोड रिकॉर्ड, ये पर्नोड रिकॉर्ड के पोर्टफोलियो के अंदर फॉल करता है, जैसे और भी दूसरे अल्कोहलिक बेवरेजेस को पर्नोड रिकॉर्ड इंडिया में इम्पोर्ट करता है। एब्सोल्यूट के काफ़ी सारे वेरियंट्स अवेलेबल हैं लाइक मैंड्रीन, ग्रेप, सिट्रोन हम रिव्यू कर ही रहे हैं, जो नॉर्मल विदाउट फ्लेवर वोडका है वो भी अवेलेबल है ही है, उसके साथ साथ में पेपर और भी काफ़ी सारे वेरियंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली अबाउट दिस बॉटल। ये बॉटल है 750 ml की जिसकी एल्कोहल स्ट्रेंथ है 40% और इसकी प्राइस है 3050 इन मुंबई महाराष्ट्र। तो चलो अब हम इसे ओपन करके नोज करेंगे और पीकर देखते हैं लेट्स रिव्यू एब्सोल्यूट सिट्रोन कितना बेहतरीन है ये वोडका। ऑलराइट, सो आई जस्ट रिमूव दिस कलेक्शन टैग फर्स्ट। Okay, I'll keep this aside. और अब इसे करते हैं ओपन। तो चलो पोर करते हैं अब इसे। ओके, सो अब करते हैं इसे नोस। कलर की बात करें तो ऑफ कोर्स कलर इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर कलर। सिंस इट्स अ सिट्रोन काफी ज्यादा यू नो अच्छे से मैं फील कर पा रहा हूं, मुझे नोट्स आ रहे हैं सिट्रस के। आई थिंक ऑरेंज, आई एम गेटिंग ऑरेंज ऑन माई नोज। या आई थिंक दिस इज वॉट आई एम गेटिंग, सो यू नो ओवरऑल खट्टे से नोट्स हैं इसके, नथिंग हार्श आई वुड से, कोई भी हार्श नोट्स जो हैं वो मुझे फील नहीं हुए हैं।
जो कभी कभार आपको वोडका से फील होता है, ऐसा कोई भी हार्श नोट नहीं मिला है मुझे। सो नाउ लेट्स टेस्ट। चीयर्स। वेरी स्मूथ, एल्कोहल की बाइट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है ऑन द पैलेट। इट्स वेरी स्मूथ, ईजीली उतर चुका है, कहीं भी तकलीफ नहीं हुई है नीट पीने के बाद भी। यूजुअली वोडका जब आप नीट पीते हैं तो कई बार आपको हार्श फील होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड व्हेन इट कम्स टू फ्लेवर्स, लाइम का फ्लेवर आ रहा है मुझे काफ़ी अच्छे से, जैसे जो नींबू का फ्लेवर होता है, वेरी मच सेम फ्लेवर आई एम गेटिंग। लेट मी टेक अनदर स्मॉल सिप। या हल्का सा ऑरेंज का फ्लेवर आ रहा है। एंड इसकी जो फिनिश है आई वुड से थोड़ी सी स्पाइसी नोट्स पे खत्म होती है, सो फिनिश वुड बी स्पाइसी इन माय ओपिनियन। ओवरऑल यू नो वेरी गुड टेस्ट, जैसा कि ये सिट्रोन है तो सिट्रस का काफ़ी अच्छा फ्लेवर दे रहा है, लाइम ऑरेंज, दीज आर द फ्लेवर्स व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस वोडका। एंड एज आई सेड बिल्कुल भी हार्श नहीं है। सो यू नो व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्टेड वोडका एब्सोल्यूट, वैसे भी काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी पिया ही होगा, ट्राई करा ही होगा, अगर आपने नहीं करा है तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। वन ऑफ द यू नो बेस्ट वोडका आई वुड से है ये। और इसकी जो मार्केट प्रेजेंस है इन ग्लोबल आई वुड से इंडस्ट्री, 126 कंट्रीज के अंदर एब्सोल्यूट आपको मिल जाएगा। तो चलो अब हम बात करते हैं आज की हमारे दारू तथ्य की, और हम वोडका का रिव्यू कर रहे हैं तो अगेन कोइंसिडेंटली मेरे पास में जो तथ्य है वो भी मेरे पास में जो तथ्य है, चलेगा ना, मूरे को मेरे कर दिया मैंने, एडिटिंग में हटाऊं ये नहीं हटाऊंगा, मेरे पास में जो तथ्य है वो वोडका से रिलेटेड है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों में से कुछ स्मेल आ रही होती है। नहीं यार, दारू की स्मेल की बात नहीं करूँ, आप दारू पी के कपड़ों पे गिराओगे तो दारू की स्मेल आएगी, लेकिन कई बार कुछ दूसरी स्मेल आती है हमारे कपड़ों में से। हो सकता है कई बार बारिश में गीले हो गए कपड़े फिर स्मेल आ रही है, या किसी भी दूसरे रीजंस की वजह से स्मेल आ रही है। वोडका जो है वो आपके कपड़ों में से स्मेल दूर करने का काम कर सकता है, अगर आप उसे इफेक्टिवली कपड़ों पे इस्तेमाल करें। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बॉटल वोडका की डाल देनी है, लेकिन अगर आप हल्का हल्का वोडका अपने हाथों पे लेकर कपड़े पे लगाएंगे जहाँ पे स्मेल आ रही है, तो वो जो ऑर्डर है, जो गंदी बदबू है, वो दूर कर सकते हैं वोडका की मदद से। तो ये था हमारा आज का दारू तथ्य, और हम एंड पे आ चुके हैं इस रिव्यू के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आ गया है तो लाइक कर दो, अगर पसंद नहीं आया है तो भी डिसलाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल के साथ में बेल आइकन को प्रेस करो। ऑल राइट, दिस वॉज जस्ट साइनिंग ऑफ फॉर द डे, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आ जरूर जाना। ऑल राइट, चीज़।